पिछले ब्लॉग में आपने मौत के कुआं वाली वीडियो देखी होगी, तो ये यहाँ पूरा मौत का कुआं बना था। लेकिन और तोपाल जी की शायद कुछ शॉपिंग होने वाली है यहाँ। भाई के वहाँ एक कंबल जरूर पसंद की थी, कंबल पसंद आ रखी ये वाली, और फेवरेट कलर भी ब्लू है मेरा। तो आफ्टरनून, स्वागत करते हैं आप सभी का यूके विजय ब्लॉग में, और मैं हूँ विजय नेगी। सो बताते हैं आज आपको आज का सीन। सो गाइज, आज का सीन ये होने वाला है कि ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है दिन के लगभग 2 बजे से, और आज बन रखा हमारा अचानक प्रोग्राम गौचर मेले जाने का। गौचर मेला वैसे तो पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, लेकिन कुछ खास सामान लेना था हमने, इस वजह से हमें गौचर मेला जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं सामान मिलता नहीं मिलता, कैसा मिलता है, क्या होता है, वो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा। बने रही है ब्लॉग में। भीड़ भड़ाका मार्केट में लगभग 2-2.5 बजे के टाइम पे बहुत कम रहता है, क्योंकि जो गांव के लोग आए रहते हैं तो वो गांव निकल लेते हैं टाइम से 1-2 बजे के टाइम पे, और जो बाकी लोकल मार्केट के रहते हैं तो वो शाम को मार्केट आना शुरू करते हैं लगभग 4 बजे के टाइम के बाद, और उसके बाद थोड़ा भीड़ भड़ाका देखने को बाई बंदर तो उसके बाद थोड़ा भीड़ भड़ाका देखने को मिलता है मार्केट में। कर्णप्रयाग मार्केट से हम पंचपुलिया पहुंच चुके हैं, और पिछले जब मैं गौचर गया था, गौचर मेला वाला अगर आपने ब्लॉग देखा तो उस टाइम यहां से देखा होगा कितना लंबा चौड़ा जाम लगा था, और जैसे मेला ख़त्म हुआ तो पूरा जाम भी ख़त्म हो चुका है। उस दिन भी बताया था आपको कि ये सिर्फ मेले की वजह से ये भीड़ लगी है, और मेला ख़त्म होते ये भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ ब्लॉग से लगातार तोपाल जी मेरे साथ बने हैं, और जैसे पिछले ब्लॉग में भी बताया था, आजकल इनको ड्राइव करने का मौका नहीं मिल रहा है, और ये KTM की पीछे वाली सीट पर बैठ बैठ के परेशान हो चुके हैं, और अभी बिल्कुल मना कर रहे थे गौचर आने के लिए, लेकिन इनको आज ज़बरदस्ती गौचर ले जाया जा रहा है। और एक सख्त चीज़ की हमें आवश्यकता थी, कर्णप्रयाग में मिल सकती है, आराम से अवेलेबल हो सकता है, लेकिन गौचर घूम भी लेंगे, और इसी बहाने कुछ अगर सामान भी पसंद आ गया या कुछ हो गया तो ले लेंगे। फाइनली पेट्रोल पंप हम पहुंच चुके हैं, और पेट्रोल पंप भी देख सकते हो आप, एक भी बिल्कुल गाड़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत ही अल्प समय में हम कर्णप्रयाग से गौचर पहुंच चुके हैं, और जैसे कि देख सकते हो आप, रोड बिल्कुल खाली खाली लग रही है, तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत हुई नहीं, और गौचर में हम पहुँच चुके हैं, और मेला ग्राउंड के अंदर ले चलते हैं आपको, और सुंदर सा दृश्य दिखाते हैं क्या कुछ बचा है गौचर मेले में, और क्या क्या पांडाल। तो हमारे हिसाब से पूर्ण रूप से खुल चुका होगा पांडाल, और बाकी अंदर जाके और अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या बचा है और क्या रह रखा गौचर मेले में। मार्केट गौचर में हम पहुंच चुके हैं, और यहां से जो पिछला गौचर मेला ब्लॉग देखा होगा आपने, तो यहां से हमने अंदर को लिया था, और आज भी हम यहां से अंदर जाने वाले हैं, तो देखते हैं गाड़ी कहां तक जाएगी हमारी। पिछली बार हमें पार करना पड़ा, लेकिन इस बार भी अभी मार्केट बिल्कुल भरा भरा सा लग रहा है मेरे हिसाब से, अभी भी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि गौचर मेला अभी बंद हुआ नहीं, तो गौचर मेला लगा लगा सा लग रहा है। भीड़ भड़ा का आप देख सकते हो किस प्रकार का अभी भी भीड़ भड़ा गौचर मेले में देखने को मिल रहा है, मानो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम परसों आए थे तो वही भीड़ आज भी एंड टाइम पे देखने को मिल रही है। आज और आज कल में जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग होने वाली है आज और कल में, क्योंकि जो स्टार्टिंग के दिन रहते हैं उस टाइम लोग से केवल सामान देखने आते हैं और परचेज बहुत कम करते हैं। गाइस, भीड़ देख सकते हो यार, मेला 2 दिन ख़त्म हुए हो चुका है, और अभी भी आप भीड़ भड़ाका देख सकते हो किस प्रकार की भीड़ भड़ाका लगा है मार्केट में। रोड की बात करें तो ये रोड जाएगी फाइनली पांडाल तक, जो मेला पांडाल लगा रहता है, तो उस पांडाल तक ये गाड़ी जाने वाली है आज हमारी। और वैसे अगर जब मेला बंद हो गया तो उस टाइम, जब मेला बंद हो गया था तो उस टाइम यहाँ से गाड़ी अंदर को अलाउड रहती है नहीं, और अब मेला ख़त्म हो चुका है तो यहाँ गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं, और एक बार ले चलते हैं आपको मेला पांडाल तक। मेला पांडाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, और गाड़ियां यहां से बिल्कुल अलाउड कर रखी है अंदर जाने के लिए, तो एक बार ले चलते हैं आपको पांडाल तक। भाई, रोड छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, इस प्रकार की इस कदर की भीड़ हो रखी है अभी भी मेला फील्ड में। तो बता रहा था जैसे मैं आपको कि सबसे ज़्यादा आज अगर ख़रीदारी होने वाली है तो वो ख़रीदारी होने वाली है आज। देख सकते हो आप, हर दुकानों में कुछ ना कुछ ख़रीदारी ज़रूर हो रही है, तो
वही जो लास्ट में बच जाता है, तो ख़रीदारी मेन रूप से लास्ट टाइम होती है। और मेले का पंडाल देख सकते हो, पंडाल पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, यहाँ कुछ भी हो नहीं रहा, पंडाल खाली होने को आ गया। और बाकी जो जितने भी दूर दूर तक भीड़ दिख रही है, ये है सिर्फ और सिर्फ सामान लेने वालों की भीड़। तो एक बार फिर घुमाते हैं आपको पंडाल के आगे से, देख सकते हो कुछ गाड़ियां सामान से पैक होने लग गए। और जो गोचर मेले का पंडाल बना था, आज तो इसके अंदर तक गाड़ी अलाउड हो सकती है। और पंडाल देख सकते हो बिल्कुल खुलने को आ गया है, पंडाल अब धीरे धीरे पंडाल खुल रहा है। और पंडाल से एक बार बाहर की ओर ले चलते हैं आपको, पंडाल का जो बैक साइड का व्यू था तो वो इस प्रकार से था। और अब यहाँ भी धीरे धीरे भीड़ कम होने लग गई, यहाँ भी देख सकते हो आप इतना खुला खुला दिखने लग गया। और पिछली बार जब यहाँ मेला लगा था तो पूरा भरा भरा था यहाँ, और अब पूरा खाली खाली होने लग गया। बिल्कुल मिले थे यार, याद है, क्या बात कर दिया, सचिन ही होगा। और सब बढ़िया, मैंने कहा एक बार लास्ट में देख के आता हूँ मैं ब्लॉग बनाने भी। तो एक भाई सब्सक्राइबर मिला गौचर में और KTM का दीवाना है, तो भाई ने बोल रखा है कि एक चक्कर घुमा दो। आप देख सकते हो भाई मेरे पीछे बैठा है, तो मैंने कहा यार अब टाइम भी है तो घुमा लेते भाई को एक चक्कर, भाई भी खुश हो जाएगा KTM में बैठ के और अपने गौचर लोकल फील्ड में घूमेगा तो मज़ा ही कुछ और आ जाएगा, भाई को भी बस भी आने लग गई। तो ये जो बंदा बैठा है पीछे से जो मिला था मुझे, ये भाई शायद लोकल का है, तो भाई की डिमांड थी कि भाई को यहाँ लोकल में एक ग्राउंड घुमाना है, तो भाई को हम पूरा जो ग्राउंड के बाहर की ये जो रोड है उस रोड पे अभी मैं घुमा रहा हूँ। स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो रखी है, हो गई, और देख सकते हो सारे स्कूल के बच्चे अभी गौचर फील्ड जाने के लिए तैयार हैं, और शायद ये KB स्कूल। अब मैं कर रहा हूँ तोपाल जी का इंतज़ार, तोपाल जी मेरे साथ आए थे लेकिन अब पता नहीं ही तोपाल जी यहाँ से कहाँ चले गए, और अब ढूंढना होगा मुझे तोपाल जी मुझे कहाँ मिलने वाले हैं। ब्लॉग में आपने मौत के कुआं वाली वीडियो देखी होगी, तो ये यहाँ पूरा मौत का कुआं बना था, लेकिन मौत का कुआं खुल चुका है और अभी भी चरखी और जो ये रहता है ड्रैगन वाला वो चल रहा है अभी। तो बाकी अगर मेले में भीड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस लोकेशन पे जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा भीड़ इस लोकेशन पे लगी थी, क्योंकि उस टाइम यहाँ चरखी चल रही थी और बच्चों के लिए बहुत सारा खेलने के लिए यहाँ है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ लगी थी यहाँ। और आज चरखी के सामने भी बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है, और अगर सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं देखने को मिल रही है तो वो खरीदारी कपड़े हो गए, सबसे ज़्यादा उन जगह ये भीड़ दिख रही है। तो गाइज़ फाइनली अब आ रखे हैं हम कंबल की दुकान में, अगर कोई कंबल पसंद आती है तो कंबल लेके जाने वाले हैं हम, डबल बेड वाली, मोटी मोटी वाली, मोटी से मोटी, मोटा है भाई, सिंगल प्लाई में मोटा कंबल नहीं, ये वाला नीचे ना, डबल वाला नहीं है, डबल वाला, डबल डबल फोल्ड वाला, फिर कितने का सिंगल दिखाओ तो सही कौन सा है भाई। के वहाँ एक कंबल जरूर पसंद की थी, कंबल पसंद आ रखी ये वाली, और फेवरेट कलर भी ब्लू है मेरा, तो एक चक्कर मार्केट आके घूम के देखता हूँ मैं। वीडियो मास्टर हमारे चल रहे हैं आगे से, जाम कर सर 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 कैसे हो, और बढ़िया, और सब बढ़िया, स्पेशल खरीदारी करने आ रखे ये भी गौचर, थैंक यू। ओके क्या क्या होता है, ठीक है, ओके ठीक है। और राकू भाई देखो तुम, राकू भाई आ रखे शॉपिंग करने, क्या लिखना है तो आ, राकू भाई और बिजी आ रखे हैं गौचर मेले में शॉपिंग करने। और खोजबीन जारी है और फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट हो रखा है, तोपाल जी मिलने वाले हैं मुझे झरने के अगल बगल, और मैं फ़िलहाल जाऊंगा झरने पे, तो देखते हैं तोपाल जी मुझे कहाँ मिल पाते हैं, झरने पे जाके देखते हैं एक बारी। गौचर मेले में अगर कोई भी खोता है अंदर से आप भी ध्यान रखिए, तो गौचर मेला का एक ये झरना ऐसा होता है कि जो बिल्कुल मंच के सामने झरना बना रहता है, तो यहाँ पे आप अपने खोए हुए साथी को ढूंढ सकते हो। दूर दूर तक तोपाल जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। और ये बंदा देखो तुम, ये खो गया था, खो गया था,
ना ना नठी छो गोचर में तब बन छो नठी में। देखिए गौर से गोचर में यार जिस दिन भीड़ भड़ा का था उस दिन नहीं खोया, आज खो गया था ये बंदा मेले में, यहीं पे घूम रहा तू। हाँ जी तो गाइस फाइनली ये वाली कंबल दिखाओ ना। तो गाइस फाइनली ये वाली कंबल सेलेक्ट कर रखा है और आप भी जरूर बताइए ये कंबल कितने की होनी चाहिए। हमें तो भाई ने सही रेट पे लगा रखा है मेरे हिसाब से, और बाकी ठीक है भाई जी। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि कंबल कितने की होनी चाहिए। हम आ रखे थे गौचर सिर्फ और सिर्फ एक कंबल लेने के लिए, और कंबल मतलब बढ़िया तो मिल रखी है, क्वालिटी वाली मिल रखी है। और अब सो के पता चलेगा कि कैसी कंबल मिल रखी है। और बाकी हमारे सब्सक्राइबर भाई हमारे मिले यहाँ पे, और बढ़िया स्वास्थ्य पानी और सब बढ़िया और जो बढ़िया। तो ऐसी ऐसी बात है, गौचर मेला का लास्ट है और आज खतरनाक शॉपिंग चल रही है लोगों की, और भीड़ भड़ाका भी सही सही हो रखा है मार्केट में। तोपाल जी तो बड़ी मुश्किल से मिले मुझे, वरना तोपाल जी तो बिल्कुल गोल हो गए थे और कांटेक्ट के माध्यम से मिल चुके हैं। और एक चक्कर इनको भी घुमा लेते हैं इधर मार्केट में, पूरा जायज़ा लेते हैं गौचर फील्ड का और फिर निकल लेते हैं टाइम से। और तोपाल जी की शायद कुछ शॉपिंग होने वाली है, चश्मे या छल्ले पता नहीं क्या देखने वाले हैं, तो इनको अगर कुछ पसंद आता है तो ये भी लेके जाने वाले हैं आज। तोपाल जी को कुछ पसंद आया नहीं और तोपाल जी की स्पेशल डिमांड है कि इनको कड़ा ले जाना है, तो देखते हैं कौन सी दुकान में इनको कड़ा मिल पाता है। कड़े की दुकान की खोजबीन हो रही है। तो गाइस फाइनली आज इतना घूम लिए हम जितना हम परसों पैदल नहीं घूम पाए थे, उससे ज़्यादा हम बाइक से घूम चुके हैं और मार्केट का पूरा दृश्य दिखा चुके हैं आपको, गौचर मेले फील्ड का पूरा दृश्य दिखा चुके हैं आपको, क्या रह गया क्या नहीं रह रखा है अब मार्केट में। इस साइड से थोड़ा बढ़िया सा व्यू ज़रूर दिख रहा है, भीड़ भड़ाका सही देखने को मिल रहा है इस साइड से। और अब फाइनली हम निकलते हैं यहाँ से, अपनी कंबल रखते हैं, और जो हमारी मेन शॉपिंग करने का उद्देश्य था वो था सिर्फ और सिर्फ एक बढ़िया सी कंबल रजाई टाइप की लेके आना, वो हमें मिल चुका है। और ये पकड़ेंगे हम अपनी कंबल लेके जाएंगे अब यहाँ से। तो गाइस फाइनली पंकु भाई हमारी कंबल लेके आ रखा है, कंबल जो हम लेने आ रखे थे वो कंबल लेके आ रखा है और लेके चलते हैं। तो गाइस फाइनली गौचर मेले को करते हैं यहाँ से विदा और कंबल लेके हम निकलते हैं आगे की ओर। तोपाल जी बैठे हैं पीछे से कंबल पकड़ के, और पहुँच चुके हम मेन रोड पे, एक कंबल लेके बढ़िया सी कंबल लेके पहुँच चुके हम मेन रोड पे। लोगों ने देखो कितनी सारी कंबल ले जा रखे हैं यहाँ से बेटा। अब ज़्यादा नॉलेज तो हमें एक्सपीरियंस है नहीं कंबल कितने की मिलनी चाहिए, लेकिन पसंद आई जो चीज़ पसंद आई तो अब ज़्यादा ऊपर नीचे करने की अपनी आदत है नहीं, बस पसंद आनी चाहिए। तो गाइस फिलहाल हम कर्पया के लिए निकल चुके हैं टाइम से, और अभी हमारा सुबह नाश्ता हुआ था, उसके बाद अभी खाना नहीं खा रखा है, तो कर्पया जाके हमने खाना भी खाना है अभी, इसलिए हम ज़्यादा देर रुके नहीं गौचर में और निकल गए कर्पया की ओर। जो मज़ा पिछली बार नहीं आया गौचर मेले में, हम पिछली बार गए थे तो मौत के कुआं देख के और बाइक की जो राइडिंग होती है वहाँ वो देख के थोड़ा सुकून सा मिला था, और लगा था कि हाँ गौचर मेले में आके पैसा वसूल हो गया। और अगर आज की बात करें तो आज मैं बाइक से घूम रहा था तो लग रहा था कि हाँ, जब पूरा मतलब फील्ड के चारों ओर चक्कर मारे पूरा फील्ड देखा, वैसे तो फील्ड कई बार देख रखा है लेकिन घूमे तो ऐसा लगा कि हाँ चलो गौचर आके पैसा वसूल हो गया हमारा। तो गाइस फिर से एक बार वही जाम की समस्या, अभी तो शायद काम चल रहा है आगे यहाँ पे, जब तक ये पुल नहीं बना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती रहेगी यहाँ पे, ऐसी यहाँ पे कर रही है फिलहाल जी सभी काम। तो गाइस फाइनली खुल चुका है जाम, और देख सकते हो जाम खुलते ही कैसे किस प्रकार की गाड़ियों की लाइन यहाँ पे लग जा रही है, कोई इंतज़ार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है आज की डेट में।
गौचर मेला घूमने के बाद एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं लोकल मार्केट कर्णप्रयाग में, और मौज मस्ती तो ज़्यादा हुई नहीं आज, खाली एक कंबल लेने गए थे हम और देखने गए थे कि मार्केट का क्या हाल है। क्या बता सके आपको कि मार्केट में ये सब चल रहा है अभी गौचर में, गौचर मेले का सीन क्या बना है अभी। तो गौचर मेले में ये सीन बन रखा कि दुकानें लगभग खुली है शॉपिंग करने वालों के लिए, सारी दुकानें खुली हैं और जो सामान लेना चाहता है तो अभी भी बिल्कुल बिंदास होके जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर बंद हुआ है तो जो पंडाल है वो बंद हो रखा है और वहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, बाकी जो पहले था वो अभी सब कुछ चल रहा है वैसे ही सेम टू सेम। सो गाइज, आज के ब्लॉग को भी यहीं पे करते हैं एंड। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।